वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. आई विश यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम. प्लीज़ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. यू स्टे सेफ एंड स्टे एट होम फॉर योर गुड हेल्थ. माई नेम इज़ पूजा एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर. वी आर गोइंग टू हैव अ फैबुलस स्कूल ईयर फुल ऑफ फन एंड लर्निंग. सो लेट अस स्टार्ट लेसन 7. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज फन विथ टक्स पेंट. वी विल रीड about Tux Paint in this lesson. Okay students, in this chapter we will learn about tools of Tux Paint, magic tool, undo and redo tools and slideshow. Okay. You have used magic tool using Tux Paint in the previous class. आपने अपनी previous class में या जब भी आपने Tux Paint किया था तो आपने magic tool भी किया होगा. magic tool का option भी आपने choose किया होगा. उसको use करके आप drawings बनाई होंगी. In this chapter, you will learn some more effects of the magic tool in Tux Paint. आप इस chapter में इस magic tool के some more effects, और effects भी समझेंगे और जानेंगे और बनाएंगे उनको देख करके. बट बिफोर दैट लेट अस रिकॉल सम ऑफ द टूल्स वी हैव लर्न्ड. लेकिन उससे पहले हम रिकॉल करेंगे. रिकॉल मीन्स दोबारा से देखेंगे कुछ और मेन टूल्स जो कि हम लोगों को ड्राइंग करने के लिए ज़रूरत होती है. ओके टूल्स ऑफ Tux Paint. Tools of Tux Paint, first option is paint. Okay, see, paint tool it is used to draw freehand or previous defined shapes. हम लोग क्या करते हैं इसमें फ्री हैंड ड्राइंग. जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो ना, फ्री हैंड इस तरह से आप ड्राइंग कर लेते हो. कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना. इस तरह से ड्रॉ करके कुछ भी बना सकते हो. और ये होती है हमारी फ्री हैंड ड्राइंग. हम कुछ भी बना सकते हैं इसमें. तो पेंट टूल से हम लोग इस तरह की ड्राइंग बना सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज शेप्स. शेप्स में क्या होता है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स. यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा. आप इसमें सर्कल पहले से बने हुए होते हैं, आपने वहाँ क्लिक करना है और आपको ड्रॉ कर देना है. इसी तरह से आप ट्राइंगल बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, कई तरह की शेप्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इरेजर. This is eraser. Eraser से it is used to erase unnecessary part of the drawing. Unnecessary part means जिसकी जो necessary नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती, जिस part की ज़रूरत नहीं होती उसको हम erase कर सकते हैं. Erase means उसको rub कर सकते हैं, मिटा सकते हैं from the drawing canvas. Drawing जो जहाँ पर आप drawing बनाते हो ना, वहाँ से आप उसको erase कर सकते हो इस option की help से, eraser की help से. ओके इट आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइन्स. इट इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. ये किस लिए यूज करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए. सपोज हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. फ्री हैंड से हमने क्या किया था, फ्री हैंड ये जैसे सपोज हमने यहाँ पर हमने किया था ना फ्री हैंड ड्रॉइंग, यहाँ तो हम लोग इस तरह की ड्रॉइंग बना सकते थे. लेकिन अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हम कहाँ से किसको चूज़ करेंगे, लाइंस को चूज़ करेंगे, लाइंस ऑप्शन, लाइंस टूल को चूज़ करेंगे. इससे बिल्कुल सीधी लाइन है और वहाँ से सिलेक्टर जो होता है आपका, सिलेक्टर बॉक्स जो होता है, वहाँ से आप उसको लाइंस को जैसे भी आपको मोटी लाइन बनानी है, पतली लाइन बनानी है, तो आप वहाँ से वो चूज़ कर सकते हो ऑप्शन. आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टैम्प्स. स्टैम्प्स के बारे में हमने डिस्कस किया ऑनलाइन क्लास में, देखा था हमने
स्टैम्प्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप की पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, जो जैसे सपोज़ आपको कोई पिक्चर बनानी है, आपको गार्डन बनाना है, गार्डन में आपने फ्लावर्स लगा दिए मैजिक टूल से, ग्रास लगा दिया आपने, सन बना दिया, रेनबो बना दिया, वहाँ पर आपको कोई डक बनानी है, डक लगानी है, तो आप कहाँ से लोगे? स्टैम्प टूल से लोगे, ट्री लोगे, स्टैम्प टूल से लोगे, ओके okay? अगर आपको कोई गर्ल भी वहाँ पर खड़ा करनी है, गर्ल या बॉय कुछ, या मैन या वीमेन, कोई भी आपको वहाँ पर पिक्चर लगानी है, तो आप वो कहाँ से लोगे? स्टैम्प टूल से लोगे। स्टैम्प टूल में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो भी आपको ड्राइंग बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग, वहाँ से आप पिक्चर्स चूज़ करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ओके, स्टैम्प इज़ वेरी यूजफुल टूल। आफ्टर दैट नेक्स्ट टूल इज़ ABC टेक्स्ट टूल। इट इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट। अगर आपको कुछ लिखना है, सपोज़ आपको कोई पिक्चर बनाई है आपने, कोई सीनरी बनाई है, या कुछ भी कोई आपको अच्छी सी ड्राइंग बना रहे हो आप, तो आप उसका कुछ हेडिंग देना चाहते हो, ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, या सपोज़ आप अपना नेम लिखना चाहते हो कि मेड बाय दक्ष, तो आप इस यहाँ से लिख सकते हो। ओके, इस टेक्स्ट टूल से आप जो भी कुछ टाइप करना चाहते हो आप कर सकते हो। आफ्टर दैट मैजिक टूल। मैजिक टूल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप कई तरह के जो इंटरेस्टिंग जो ड्राइंग होती है ना, वो बना सकते हो। इंटरेस्टिंग फीचर होता है ये टक्स पेंट का। इट इज़ यूज टू ऐड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। कई स्पेशल इफ़ेक्ट्स यहाँ से आप ले सकते हो, बना सकते हो ड्राइंग करने के लिए। ओके, नाउ पेज नंबर 51। बिल कैंड्रिक कौन थे? दिस इज़ द मैन डिज़ाइन द टक्स पेंट प्रोग्राम इन 2002। बिल कैंड्रिक कौन थे जिन्होंने टक्स पेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, और कब किया था? इन द ईयर ऑफ 2002 में इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, टक्स पेंट को छोटे बच्चों के लिए। ओके, ये आपको याद रखना है, मैं पूछूंगी आपसे, ऑनलाइन क्लास होगी ना जब, तब मैं आपसे पूछूंगी कि टक्स पेंट को किसने बनाया था, ये आपको लर्न कर लेना अच्छे से। और हम नेक्स्ट मैजिक टूल है, मैजिक टूल में फिल इफ़ेक्ट्स के बारे में बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फिल इफ़ेक्ट को हम कैसे चूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एंड स्मज इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगी मैं आपको, स्मज इफ़ेक्ट। ओके, वीडियो में आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको वीडियो बना करके सेंड कर दूंगी। रियल रेनबो के बारे में बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ये उसके बाद फोम इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगी, रियल रेनबो, फोम इफ़ेक्ट एंड मोज़ेक इफ़ेक्ट एंड अंडू एंड रीडू टूल्स। अंडू रीडू टूल्स में क्या होता है, हमें कोई ड्राइंग बनाई है, हमें अगर हमसे गलत हो गया कुछ, ड्राइंग हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, अंडू पे क्लिक कर देते हैं। अंडू का ऑप्शन कौन सा होता है? ये वाला UNDO साइड, यहाँ पर होता है, ये इधर होता है, यहाँ पर आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो जो पिक्चर आपने गलत बना दी थी वो अपने आप पूरी पिक्चर इरेज हो जाएगी। अगर उसको फिर से लाना चाहते हो आप, तो आप किस पे क्लिक करोगे? रीडू ऑप्शन पे, वो भी उसके साथ में ही होता है, REDO रीडू, अंडू के साथ में ही रीडू ऑप्शन भी होता है। अब वहाँ से उसको रीडू करके वापस पिक्चर को ला सकते हो। उसके बाद है स्लाइड शो के बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी या फिर ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी। ओके, अभी इतना ही, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम।